हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फरवरी 2020 मंथ की, यानी कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां 1 फरवरी 2020 से लेकर 29 फरवरी 2020 तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं सारी की सारी हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां होती हैं कम से कम 2 क्वेश्चन एवरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट लेवल का हो चाहे वो एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल का हो, सभी एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन एवरी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने जनवरी मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी उनको कवर किया कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मोबाइल प्रीमियर लीग है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं विराट कोहली, यानी कि विराट कोहली को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल प्रीमियर लीग। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, विराट कोहली। इसके बाद आपने याद रखना है एक ब्रांड है मान्यवर, मान्यवर के वी ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली। उसके बाद प्यूमा के वी ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो अजय बिसरिया हैं ये किस कंट्री के लिए इंडिया के न्यू हाई कमिश्नर बने हैं? इनको अपॉइंट किया गया है कैनेडा के लिए। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कैनेडा के लिए इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं अजय बिसरिया। इससे पहले ये किस कंट्री के लिए थे? ये पाकिस्तान के लिए थे, पाकिस्तान ने इनको निकाल दिया था, अब इनको अपॉइंट किया गया है कनाडा के लिए न्यू हाई कमिश्नर। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा। कनाडा में एक सिटी है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल सिटी है कनाडा में। इसमें एक हेडक्वार्टर है जो है इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, उसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल कनाडा, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, यानी कि जो IBM है इसके जो न्यू CEO बने हैं वो कौन बने हैं? इसके न्यू CEO बने हैं अरविंद कृष्णा। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जो अरविंद कृष्णा है इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ने रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया है थाईलैंड में? दिए गए 4 ऑप्शन में से जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बने हैं उनका नाम है गीता सब्रवाल। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, जो गीता सब्रवाल हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर थाईलैंड में। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो है बैंकॉक, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जो विनय मोहन क्वात्रा हैं इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं किस कंट्री के लिए? इंडिया के। ये इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं नेपाल के लिए। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, काठमांडू जो है वो है कैपिटल ऑफ नेपाल। और इसमें एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, उसका आंसर होगा काठमांडू नेपाल। और आपने याद रखना है इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजिडेंट हैं उनका नाम है अमजद हुसैन बी सियाल, अमजद हुसैन बी सियाल, ये हैं प्रेजेंट टाइम में प्रेजिडेंट ऑफ सार्क। और आपने याद रखना है ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद जो नेपाल है इसकी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, और जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है के पी शर्मा ओली, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, चेयरमैन कौन बने हैं CBIC के? जो CBIC के न्यू चेयरमैन बने हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है एम अजीत कुमार जो हैं इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इंडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो कंज्यूमर होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करता, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें इंक्लूड होते हैं एक्साइज वगैरह टैक्स हो गए, उसके बाद कस्टम्स, इस तरह के जो सारे टैक्स होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। उसके बाद जो GST है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, इसको रेगुलेट करता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, जो मोहम्मद ताफिक अलावी हैं ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? जो मोहम्मद ताफिक अलावी हैं ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद ताफिक अलावी। इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद, और करेंसी है इराकी दिनार, इराकी दिनार करेंसी है इराकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, दिए गए चार ऑप्शन में से। कोल इंडिया लिमिटेड के जो न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, इसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं। इसके इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट दीपा मलिक। दीपा मलिक को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, दीपा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन, जो गोपाल बागले हैं ये इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं किस कंट्री के लिए। ये इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर बने हैं श्रीलंका के लिए। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धन पुरीकोट्टे, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है महिंदा राजपक्षा, और जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गोताबाय राजपक्षा। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से किसको एज अ गुडविल एम्बेसडर इन्वाइट किया गया है जो टोक्यो ओलंपिक्स होंगे 2020 में। इसके लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है सौरव गांगुली को। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सौरव गांगुली को इन्वाइट किया गया है एज अ गुडविल एम्बेसडर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, सौरव गांगुली इंडिया की तरफ से गए हैं, यानी कि इंडियन कंटिजेंट की तरफ से इनको गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो कौन बने हैं। इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं मॉन्ड्रेटी श्रीधर। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, मॉन्ड्रेटी श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उसकी एक ट्रस्ट बनाई गई थी, उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो इलेक्ट हुए हैं नृत्य गोपाल दास। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जो नृत्य गोपाल दास हैं ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं पवन हंस कंपनी के, जो पवन हंस कंपनी है इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्ट हुए हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं। ये बने हैं संजीव राजदान। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जो संजीव राजदान हैं इनको बनाया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पवन हंस कंपनी लिमिटेड। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट कौन बने हैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के, जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है इसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं। ये बने हैं अजय पटेल। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, अजय पटेल बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इमारा ब्रांड के लिए। जो इमारा ब्रांड है इसके जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है करीना कपूर खान। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, करीना कपूर खान। उसके बाद आपने याद रखना है जो प्रियंका चोपड़ा है एक ब्रांड है जिसका नाम है क्रॉक। क्रॉक नाम का जो ब्रांड है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वो प्रियंका चोपड़ा बनी थी, और इनकी बहन एक परिणीति चोपड़ा है। एक साड़ी का ब्रांड है जिसका नाम है जुलाहा साड़ीज। जुलाहा साड़ीज के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी वो बनी थी परिणीति चोपड़ा, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएई के लिए जो डायरेक्टर बने हैं डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वो कौन से इंडियन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, यानी कि कौन से फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं जिनको एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट किया गया है यूएई में, दिए गए चार ऑप्शन में से। ये बने हैं रॉबिन सिंह। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, जो रॉबिन सिंह हैं इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट यूएई में। इसी राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन, रॉबिन सिंह का। जो यूएई है इसकी कैपिटल आबू धाबी है और करेंसी है दिरहम, करेंसी दिरहम है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, जो ICAI है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स इसके जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं 2020 से 2021 तक, यानी कि एक साल की टर्म के लिए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं। वो बने हैं अतुल कुमार गुप्ता। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, अतुल कुमार गुप्ता बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, अतुल कुमार गुप्ता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ COP26 बाय द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने जो COP26 होगी इसके लिए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है अपॉइंट किया है वो किसको किया है, दिए गए चार ऑप्शन में से। ये अपॉइंट किया है अलोक शर्मा को।
इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर इंडिया के जो न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं? जो एयर इंडिया कंपनी है इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है दिए गए चार ऑप्शन में से, वो बनाया गया है राजीव बंसल को। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, जो राजीव बंसल हैं इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एयर इंडिया कंपनी के। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, राजीव बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से पर्सन हैं जिनको फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है दिए गए चार ऑप्शन में से? जो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है देवाशीष पांडा। इसी राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, देवाशीष पांडा जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द फाइनेंस सेक्रेटरी। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन, देवाशीष पांडा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीईओ कौन बने हैं गो एयर के, यानी कि जो गो एयर कंपनी है इसके जो न्यू सीईओ बनाया गया है वो किसको बनाया गया है दिए गए चार ऑप्शन में से? ये बनाया गया है विनय ड्यूब को। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जो विनय ड्यूब हैं इनको बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयर। इसी राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के, यानी कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी है NSIL इसके जो CMD बने हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन बने हैं? उनका नाम है जी नारायणन। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जो जी नारायणन हैं इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन, जी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है गेल, इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं दिए गए चार ऑप्शन में से? इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है वो बनाया गया है मनोज जैन को। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन, जो मनोज जैन हैं ये बने हैं गेल कंपनी के गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन, मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द ब्रांड बेस्ट फॉर इट्स फिटनेस कैटेगरी। एक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन ब्रांड है जिसकी एक ब्रांड है फिटनेस कैटेगरी के लिए एक ब्रांड है इनका, उसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है मिलिंद सोमन को। इसी राइट आंसर है डी ऑप्शन, जो मिलिंद सोमन हैं इनको बनाया गया है फिटनेस ब्रांड के लिए, जो ब्रांड है लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन का। इसी राइट आंसर है डी ऑप्शन, मिलिंद सोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, लोटस हर्बल्स जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? जो लोटस हर्बल्स है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं उनका नाम है जैकलिन फर्नांडिस। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन, जैकलिन फर्नांडिस जो हैं फेमस, आप सभी को पता है बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये जैकलिन फर्नांडिस, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लोटस हर्बल्स। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, चेयरमैन कौन बने हैं जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि जो पेंशन रेगुलेटर फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? इसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सुप्रतिम बंदोपाध्याय को बनाया गया है एज द चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ने अपॉइंट किया है किसको एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किस पर्सन को एज द हाई कमिश्नर अपॉइंट किया है इंडिया के लिए दिए गए चार ऑप्शन में से? ये अपॉइंट किया गया है बैरी ओ फेरल को। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, बैरी ओ फेरल को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा जो है वो है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है स्मार्टफोन ब्रांड के लिए जिसका नाम है क्याऊ ओओ, यानी कि आई क्यू ओ एक स्मार्टफोन का ब्रांड है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है विराट कोहली को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्मार्टफोन, जिसका ब्रांड का नाम है आई क्यू डबल ओ, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन, प्रोटर्म स्पीकर कौन बने हैं दिल्ली असेंबली में? आप सभी को पता है दिल्ली के न्यू सीएम दोबारा फिर से बन गए हैं दोबारा से अरविंद केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से। उसके बाद आपको पता ही होगा गवर्नर का नाम अनिल बैजल जो हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में गवर्नर ऑफ दिल्ली, ये आप सभी को पता ही होगा।
उसके बाद इन्होंने पूछा है जो प्रोटम स्पीकर जो इलेक्ट हुए हैं अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं, वो हुए हैं शोएब इकबाल। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जो शोएब इकबाल हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रोटम स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। इसी राइट आंसर है ए ऑप्शन, शोएब इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसको एज अ प्रेजिडेंट इलेक्ट किया गया है रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, यानी कि जो नौकाजन होती है इसकी जो फेडरेशन होती है उसके लिए जो इंडिया के प्रेजिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं। इसके प्रेजिडेंट बने हैं राजा लक्ष्मी देव। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, जो राजा लक्ष्मी देव हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसी राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर टू द पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ऑफिस होता है इसमें जो एज एडवाइजर्स अपॉइंट किया गया है वो किसको किसको किया गया है। दिए गए पांच ऑप्शन में से ये बने हैं, एक तो है भास्कर खुलबे, उसके बाद एक हैं अमरजीत सिन्हा, उसके बाद विरल चारणी है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, यानी कि भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द एडवाइजर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऑफिस में। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील गुरबख्शी ने विल बी अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ऑफ विच बैंक, यानी कि जो सुनील गुरबख्शी हैं इनको किस बैंक के लिए एज द मैनेजिंग डायरेक्टर और सी ओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। दिए गए चार ऑप्शन में से ये बने हैं धनलक्ष्मी बैंक के न्यू सीईओ और एमडी। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC हैज अपॉइंटेड हुम एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इट्स ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि USIBC जो है इन्होंने न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, किसको किया है। दिए गए चार ऑप्शन में से ये किया है विजय अडवाणी को। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का विजय अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेक मच्छर हैज़ बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि जो रेक मच्छर जो हैं इनको किस कंट्री के लिए फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट इलेक्ट किया गया है, ये किस कंट्री के लिए बने हैं। दिए गए चार ऑप्शन में से ये बने हैं साउथ सूडान के लिए। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, साउथ सूडान के लिए बनाया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ रिएक मछार। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रांड बेस्ट कौन बने हैं पोली की रोल के, पोलिसी रोल जो है इसके जो न्यू ब्रांड बेस्ट बने हैं दिए गए चार ऑप्शन में से वो कौन बने हैं। ये बने हैं सौरव गांगुली, सौरव गांगुली को बनाया गया है एज द ब्रांड बेस्ट ऑफ पॉलिसी रोल। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, फोरे गनेस्पे हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, जो फोरे गनेस्पे ये किस कंट्री के लिए न्यू प्रेजिडेंट बने हैं, किस कंट्री के बने हैं। दिए गए चार ऑप्शन में से ये बने हैं टोगो के लिए, टोगो के न्यू प्रेजिडेंट बने हैं फोरे गनेस्पे। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, टोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ एसीसी, एसीसी के लिए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं। दिए गए चार ऑप्शन में से ये बने हैं श्रीधर बालाकृष्णन। इसलिए राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, श्रीधर बालाकृष्णन को अपॉइंट किया गया है एसीसी के लिए न्यू एमडी और सीईओ। इसी राइट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, श्रीधर बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के लिए जो चेयरमैन बने हैं दिए गए चार ऑप्शन में से वो कौन बने हैं। ये आपको मुझे बताना है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो कौन हुए हैं। दिए गए चार ऑप्शन में से आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जो न्यू अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया गया है वो किसको किया गया है। ये किया गया है खालिद जावेद खान को। इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, खालिद जावेद खान को अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान के लिए न्यू अटॉर्नी जनरल। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर हैं आप सभी को पता ही होगा इमरान खान और प्रेजिडेंट हैं आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जो हैं वो हैं प्रेजेंट टाइम में प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHPC,
एनएचपीसी के लिए जो न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं वो कौन बने हैं दिए गए चार ऑप्शन में से। ये बने हैं अभय कुमार सिंह, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन। अभय कुमार सिंह को अपॉइंट किया गया है एनएचपीसी के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन, अभय कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू वेनेजुएला। वेनेजुएला के लिए जो न्यू एम्बेसडर बने हैं इंडिया की तरफ से वो कौन बने हैं दिए गए चार ऑप्शन में से। ये बने हैं अभिषेक सिंह, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। अभिषेक सिंह को अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू वेनेजुएला, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन, अभिषेक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर। मुंबई पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं न्यू दिए गए चार ऑप्शन में से। दिए गए चार ऑप्शन में से जो न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर बने हैं वो बने हैं परमवीर सिंह, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन। जो परमवीर सिंह हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर, इसी राइट आंसर है हमारा, सी ऑप्शन, परमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन, जो रियलमी कंपनी है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है दिए गए चार ऑप्शन में से। ये बने हैं सलमान खान, सलमान खान को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड बेस्ट ऑफ रियलमी कंपनी। ये एक फ़ोन वगैरह बनाती है, मोबाइल वगैरह बनाती है, जो रियलमी कंपनी है ये फर्स्ट कंपनी बनी है जिसने 5G के लिए एक मोबाइल फ़ोन तैयार किया है। आपसे पूछा जाएगा 5G के लिए कौन सी कंपनी है जिसने एक मोबाइल फ़ोन तैयार किया है, उसका आंसर होगा रियलमी, ये भी आप याद रखिए। उसके बाद आपने याद रखना है जो एक भारत पे था, भारत पे ये पूछा जाता है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने थे, वो बने थे अगेन सलमान खान। सलमान खान को ही अपॉइंट किया गया था भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी आप याद रखिए। एक था फ़ोन पे, इनको दोनों को आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है। फ़ोन पे जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो थे आमिर खान, आमिर खान जो थे वो बने थे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ़ोन पे, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, जावेद अशरफ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। यानी कि जो जावेद अशरफ हैं इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं इंडिया के किस कंट्री में दिए गए चार ऑप्शन में से। ये बने हैं फ्रांस के लिए, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। फ्रांस के लिए न्यू एम्बेसडर बने हैं इंडिया की तरफ से कौन से, जावेद अशरफ, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन ये हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ये भी आप याद रखिए। सो ये थे बेस्ट 45 जो MCQ थे जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं फरवरी मंथ में, 1 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2020 तक। सारे के सारे हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करे हैं। पीछे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो वाईफाई एजुकेशन के नाम से, आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनकी वीडियो, उसके बाद इंडेक्सेस और रैंक्स, उसके बाद ऑब्विचुरीज, इस तरह की वीडियोस आपको मंथली वाइज देखने को मिलती हैं हमारे चैनल पर वाईफाई एजुकेशन पर। इसलिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। अगर ये वीडियो आप हमारे सेकेंड चैनल नेक्स्ट एग्ज़ाम 2.0 पर देख रहे हो तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पर भी आपको इस तरह की वीडियोस डेली बेसिस को देखने को मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेली बेसिस के जो करंट अफेयर्स होंगे वहाँ पर ही अवेलेबल करवाए जाएंगे, उसको भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम 2.0 अदरवाइज उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको इन 45 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।